जय श्री कृष्णा, जय दशा माता, सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप दशा माता के व्रत की पूजन विधि, व्रत विधि आदि के बारे में विस्तार से सुनेंगे। दशा माता के व्रत में पीपल की पूजा कैसे करते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। इन सभी की जानकारी मैंने अपने दादी सासू जी से, जो 50 से भी अधिक वर्षों से इस व्रत को करती आई हैं, और श्रेष्ठ ज्योतिष मेरे दादाजी से भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और कथा सुनी थी, वो सभी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पारंपरिक और सरल व्रत विधि, पूजा विधि, उद्यापन विधि आदि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। अभी सुनते हैं दशा माता व्रत की विधि और पूजा विधि। दशा माता का व्रत चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। स्त्रियां नए वस्त्र पहनकर, हाथों में मेहंदी लगाकर, 16 श्रृंगार कर लक्ष्मी स्वरूपा दशा माता की पूजा करती हैं। अमर सुहाग, सुख संपत्ति और परिवार की मंगल कामना के लिए महिलाएं इस व्रत को बड़े चाव से धारण करती हैं। होलिका दहन की अग्नि दिखाकर कच्चे सूत के 10 ताक का एक डोरा बनाया जाता है। उसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं, जिसे दशा माता की बेल या डोरा कहा जाता है। पहले समय में इसे हल्दी में रंगा जाता था, आजकल यह पीले धागे से ही तैयार किया जाता है। धारण करते समय डोरे में चांदी का कुछ बनवाकर पहना जाता है, जैसे दशा माता का लॉकेट, चांदी का घुंघरू, ताबीज आदि। हल्दी, कुमकुम, जल, अक्षत, घी, गुड़, दीपक, कच्चे दूध, मौली आदि से दशा माता के डोरे की पूजा की जाती है। दशा माता के व्रत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशा माता के डोरे को इस व्रत की कथा सुननी आवश्यक है, यानी कथा सुनते समय डोरा पास में होना चाहिए। यदि स्त्रियां किसी कारणवश कथा या पूजा में सम्मिलित ना हो सके तो यह कथा सुना हुआ डोरा धारण कर इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। यदि डोरा पहने हुआ हो और सूतक लग जाए या आपको कहीं बाहर सूतक में जाना पड़े तो डोरे को धूप में से निकाल कर शुद्ध अवश्य करें। दशा माता का डोरा एक वर्ष तक धारण किया जाता है, फिर वापस दशा माता का नया डोरा धारण करते समय पहले वाला डोरा पीपल में या पवित्र जलाशयों में बड़ा किया जाता है। यदि एक वर्ष तक यह डोरा धारण नहीं कर सकते हैं तो 10 दिन के लिए भी रख सकते हैं। दशा माता की कहानी 10 दिन तक सुनना संभव ना हो तो दशमी के दिन 10 कहानियां सुनी जा सकती हैं। दशा माता की कहानी सुनने से पहले पीपल की पूजा करें। पीपल में जल, कच्चा दूध, दही सींचें, दीपक जलाएं, कुमकुम, काजल की 10-10 बिंदियां लगाएं, मेहंदी से मौली का झूला डालें, जल के कलश पर स्वस्तिक बनाकर एक बिंदी विनायक स्वरूप स्वस्तिक के लगाएं, कलश के मौली बांधें, पीपल माता को फल फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, नारियल, वस्त्र, पान सुपारी, दक्षिणा चढ़ाएं, कपूर अगरबत्ती करें, कच्चे सूत से पीपल के 10 परिक्रमा करें, हाथ में मोती लेकर दशा माता की कथा सुनें। दशा माता के व्रत की विधि, पूजा विधि से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। दशा माता के व्रत में व्रत के दिन कुल देवता और दशा माता का धूप अवश्य करें। व्रत के दिन शुभ रंग यानी लाल पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। सत्य बोलें, मधुर बोलें, सभी के साथ मधुर व्यवहार रखें। दशा माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखें। दशा माता सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो को लाइक कीजिए
जय माता दी।